शिकारीपाड़ा में अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन, तीन व्यक्ति हिरासत में। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्ताबाड़ी चौक के पास चल रहे एक लेद रिपेयरिंग दुकान की आड़ में गन फैक्ट्री का शिकारीपाड़ा पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पत्ताबाड़ी चौक स्थित राधे रिपेयरिंग नामक दुकान में आज पुलिस ने छापामारी की, जहां से पुलिस को एक दर्जन से अधिक अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए। पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। SDPO दुमका नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और काफी लंबे समय से ये कारोबार किया जा रहा था। इस कारोबार में कौन कौन शामिल है और इसका रैकेट कहां तक फैला हुआ है, इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। खबर 365 के लिए दुमका ब्यूरो से सुरेश प्रसाद की रिपोर्ट। कल दिन के 11 बजे करीब शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर साहब साकिब तनवीर खान, उनको गुप्त सूचना मिली कि राधे रिवेयरिंग नामक दुकान एक है, लेथ मशीन रखे हुए है और वहाँ पर अवैध जो है कि हथियार निर्माण करते हैं और वो जगह जगह पे खास करके बिहार में सप्लाई करते हैं। और उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने छापेमारी किया और वहाँ हम लोगों को निर्मित और अर्धनिर्मित कुल मिलाकर के 24 पिस्टल बरामद हुए हैं और उसमें हम लोग चार लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोगों पे केस दर्ज किया गया है, एक मुंगेर का है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से 60,000 रुपया, 24 पिस्टल, एक स्कूटी, लेथ मशीन हम लोग जब्त किए, ड्रिल मशीन है, जनरेटर है, ग्लेंडर मशीन है, इससे संबंधित जो भी इक्विपमेंट सहयोग में लाते हैं सभी को हम लोगों ने जब्त किया है। 4 लोगों को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? इसमें से 2 मुंगेर के और 2 जो है कि लखीसराय के रहने वाले हैं। 3 मामला क्या है सर, पूरी कहानी? ये इन लोगों का कहना है कि फरवरी से ये लोग इसको शुरू किए थे। इन लोग जमीन में पहले काम करते थे और वहाँ से आकर के यहाँ पे रेंट में मकान लिए थे किराए का, उसी में सारा मशीन इन लोगों ने लगाया था, लेथ मशीन वगैरह, और उसी में मुंगेर के लोग थे और लखीसराय के हैं। ये लोग यहाँ हथियार बनाते हैं और फिर इसको बिहार से एक डबला से एक बीच बीच में आते हैं, एक महेश्वर हुसैन है वो भी आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।